दोनों नेताओं के समय की अनुकूलता से एक बैठक कुछ ही दिनों में होगी और उसके बाद सरकार के गठन की फॉर्मल तिथि और समय डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के मुद्दे हैं वो मुफ्ती साहब और मोदी साहब के मिलने के बाद दोनों पार्टियों की ओर से जम्मू कश्मीर में डिक्लेयर किए जाएंगे। मगर मुझे आनंद है कि जो गतिरोध था वो करीब करीब खत्म हुआ है और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में एक लोकप्रिय सरकार का गठन होगा, जो सरकार पीडीपी बीजेपी अलायंस की सरकार होगी। जम्मू कश्मीर में जो पीडीपी और बीजेपी का अकॉर्ड एक अलायंस हो रहा है तो पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों को हित, उनकी हित को और मुल्क के इंटरेस्ट को, नेशनल इंटरेस्ट को हमने नज़र में रखते हुए उनकी क्या प्रायोरिटीज़ है, जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़रूरत को नज़र में रखते हुए, उनकी एस्पिरेशंस को नज़र में रखते हुए, उनकी डेवलपमेंट को, उनकी प्रॉस्पेरिटी को, जम्मू कश्मीर की शांति को, उसको नज़र में रखते हुए और मुल्क के साथ उनके दिल जीतने की बात को सामने रखते हुए हमने एक अलायंस का एजेंडा फॉर्मुलेट किया है।